के प्रति उनके मन में एक दृढ़ संकल्प और इस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने की सोच है, हम उन सभी का सम्मान करते हुए आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं महोदय आपके इसी। और मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्षा उत्तरांचल बैडमिंटन एसोसिएशन से कि माननीय सीएम साहब को सम्मानित करने का कष्ट करें, उनको पुष्प अब मैं हमारे विशेष प्रमुख सचिव माननीय श्री अभिनव कुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य के कबीना मंत्री श्री कृषि मंत्री जी माननीय श्री गणेश जोशी जी हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करूंगा कृपया उनको भी पुष्प अर्पित कर सम्मानित करने का कष्ट करें। मैं पुनः विशेष प्रमुख सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा जो सचिव खेल भी हैं कि हमारे बीच पुलिस के सर्वोच्च डीजीपी साहब श्री अशोक कुमार साहब हमारे बीच हैं, उनको भी सम्मानित करने का कष्ट करें। हम सभी लोग जिस उद्देश्य से यहां आज एकत्रित हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिनको सम्मानित करने के लिए यहां आमंत्रित किया गया है, मैं अनुरोध करूंगा अपने राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से कि श्री लक्ष्य सेन को पुष्प देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। अब मैं इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो श्री जो उनके कोच हैं श्री डीके सेन साहब जो उनके पिता भी हैं और जिन्हें बैडमिंटन विरासत में मिली है, इनके दादाजी भी बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और जो ये डीके सेन साहब हैं ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बैडमिंटन कोच रहे हैं। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन बैडमिंटन में समर्पित किया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। और कहा जाता है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे मातृशक्ति का भी हाथ होता है और उसी कड़ी में मैं जो बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव महोदय हैं मनकोटी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो लक्ष्य सेन की माताजी हैं जिनके दिन रात जिनकी मेहनत जिनका ध्यान जिन पे जिनका जो कड़ी मशक्कत लड़के ने करी है उसके पीछे उनकी मां का भी उतना ही हाथ है, उनको भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत करने का कष्ट करें। महोदय मैं आगे स्वागत एवं संचालन के लिए अध्यक्षा उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन श्रीमती अलकनंदा अशोक मैडम से अनुरोध करूंगा कि कृपया आएं और इस आगे बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद भट्टी। मैं सभागार में उपस्थित सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सर्वप्रथम मैं अपने यशस्वी ओजस्वी ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभागार में। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष बात यह है कि कभी भी हमारे प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी कुछ भी जीत कर आता है तो वो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं से भी समय निकालते हैं और उसके
महोत्सव में जो हम उत्सव करते हैं उसमें वो जरूर शामिल होते हैं। इसके लिए आपका बहुत आभार और आपके लिए विशेष तालियां, जो आप हमारे खिलाड़ियों का, युवा खिलाड़ियों का इतना मनोबल बढ़ाते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। इसी कड़ी में मैं कृषि मंत्री जी गणेश जोशी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने विशेष समय निकाला और इस उत्सव में शामिल हुए। डीजीपी साहब का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तो उसकी स्थापना करने में डीजीपी साहब अशोक कुमार जी का बहुत विशेष योगदान रहा और शुरू से ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों में जो बैडमिंटन के प्रति उनकी रुचि और जो उनकी फिजिकल फिटनेस जो बैडमिंटन के लिए बहुत अच्छी है उसको पहचाना गया और बैडमिंटन को बिल्कुल स्क्रैच से यहां तक लाने में उनकी बहुत मुख्य भूमिका रही। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी में मैं विशेष प्रमुख सचिव खेल महोदय का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उन्होंने इतना सोचा और हमारा जो युवा खिलाड़ी है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए इतने शॉर्ट समय में इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देती हूं। और अब आज के हमारे दूल्हा, हम जिन्हें कहेंगे लक्ष्य सेन, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां और इनका बहुत स्वागत। लक्ष्य सेन जब 4 साल के थे तभी ये बैडमिंटन कोर्ट में पहुंच गए थे और जैसा अभी भट्ट जी ने बताया, इनके दादाजी और इनके पिताजी, इन्होंने शुरू से अपना पूरा जीवन बैडमिंटन को समर्पित कर रखा है। और सेन सर ने जब उत्तराखंड हमारा बॉर्न नहीं हुआ था और वो यूपी का पार्ट हुआ करता था, तब भी ये हम लोगों के बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते थे और स्पेशली जो हमारा अल्मोड़ा सेंटर होता था वहां से उस वक्त पूरी यूपी के खिलाड़ियों में हमारे खिलाड़ी अलग चमकते थे। तो डीके सेन साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जो लक्ष्य के पिता हैं। और जब भी कोई खिलाड़ी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो वहां सिर्फ उस खिलाड़ी की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे उसका परिवार, उसके कोचेस, उसके शहर के लोग, उन सब लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और खास तौर पे लक्ष्य की माता जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उनके घर में अगर कोई भी बैडमिंटन का खिलाड़ी पहुंच जाए तो वो बिना खाना खाए तो लौटता ही नहीं है। उन्होंने बहुत समर्पण से लक्ष्य के लिए हमेशा मेहनत करी और इवन उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया। जब लक्ष्य बैंगलोर शिफ्ट हुए तो वो अपना जॉब छोड़ के, वो टीचर की तरह अल्मोड़ा स्कूल में पढ़ाती थी, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए पूरा उसका मनोबल और पूरा उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ रही। उनकी माता जी के लिए विशेष तौर पर बहुत ढेर सारी तालियां। मंजू, मैं तो आपको निर्मला के नाम से कम जानती हूँ, खड़े होकर एक बार जरा हाथ मिलाइए। बहुत 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 आपका स्वागत है। और इसी क्रम में उनके बड़े भाई चिराग सेन, चिराग तुम भी खड़े हो जाओ, ये बहुत बढ़िया, ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने भी हमारी कंट्री के लिए बहुत मेडल्स जीते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी खेल प्रेमियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी पिछले दिसंबर में जब लक्ष्य सेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आए थे तब भी सीएम महोदय अपने बहुत व्यस्त और एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़कर स्पेशली उन्हें सम्मानित करने के लिए आए थे और आज भी वो उसी क्रम में लक्ष्य का मनोबल बढ़ाने के लिए यहां आए। तो एक बार फिर से सीएम साहब का बहुत जोरदार स्वागत। और लक्ष्य की अभी पिछले दिनों की कुछ उपलब्धियां मैं आपको बताना चाहूंगी। इन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया, उसी के साथ ऑल इंग्लैंड ओपन में भी उन्होंने सिल्वर मेडल लिया और जो इंडिया ओपन था उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और अब आप सब लोग को पता है कि थॉमस कप जो हम लोगों की, जिसको स्टार्ट हुए 73 इयर्स हो चुके हैं और अभी तक भारत की टीम कभी भी उसके क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंची थी और इस बार उस टीम का एक बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य ये रहे और सबसे पहला मैच, फाइनल्स का सबसे पहला मैच सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने जीता, जिससे हमारी पूरी भारतवर्ष की जो टीम थी उसका बहुत मनोबल बढ़ा और उन्होंने अपना अगला सिंगल्स और डबल्स जीतकर बिल्कुल 3-0 से अपना गोल्ड मेडल, थॉमस कप का प्रथम गोल्ड मेडल लिया। और टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए और इतनी छोटी एज में इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हम सब लोग लक्ष्य को बहुत बधाई देते हैं। बहुत जोरदार तालियां लक्ष्य सेन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्य
एक्चुअली उसके पिताजी ने, उसके दादाजी ने जो उसका लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और मैं तो बल्कि सर इनसे, अशोक जी से कह रही थी कि लक्ष्य तो इतने सारे मेडल्स जीतने वाला है कि उसका तो हम बार बार हमें बहुत जल्दी जल्दी स्वागत और सम्मान करते रहना पड़ेगा। हम लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं लक्ष्य के साथ। और मैं सर आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें लक्ष्य का गेम आप देख पाएंगे, तो वीडियो जरा स्टार्ट करा जाए। इसके गेम की जो एक छोटी सी वीडियो है क्लिपिंग वो चलवा दीजिए। सर ये बैंगलोर प्रकाश पादुकोण अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत सिस्टमेटिक रहना है, खाने के तौर पे, खेलने के तौर पे, उठने के तौर पे, सोने के तौर पे। तो हमें लगता है कि काफी चीजें उनकी मिसिंग रहेंगी, लेकिन ये है कि आज ये इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो हमें अच्छा लगता है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं लक्ष्य का, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने हमारे जिले का, प्रदेश का और पूरे राष्ट्र का गौरव आज बढ़ाया है। और इसी उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय टीम को सम्मानित किया गया, वो आदरणीय कोच रीपी के सिंह जी को भी सम्मानित किया गया। और खासतौर पर लक्ष्य से उनका ये कहना कि अरुणा की पालन कर खिलाना और हमारे लक्ष्य दर्वाओं को मिठाई भेंट करना ये हम सबसे बड़े गर्व का विषय है। आसानी पूर्ण विकास है, भविष्य में इस तरह की मिठाई खाने का मौका लक्ष्य को मिलता है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते थे, उनको पता था कि अल्मोड़ा की बात भी नहीं बहुत फेमस है, तो उन्होंने से मनाई बहुत बढ़िया उनके लिए लेके आ रहा था। तो काफ़ी मतलब, और उनको ये भी पता था कि मेरे दादाजी भी खेलते थे, पापा भी खेलते थे। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मतलब मायने रखती हैं। दूसरी बार मिल रहा हूँ तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे ही और मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं वो फोन कॉल के बाद भी। और जब भी आप मिलते हैं तो मैं यही चाहूंगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूं और आपसे मिलता रहूं और बाहर बैठे जाता हूँ। देश में छोटे छोटे बच्चों का भी मन करता है मैं जाना है, तो बच्चों के लिए तुम्हारा क्या संदेश रहेगा? जी जैसे कि मैं, आपने विमल सर ने कहा कि मैं काफी शरारती था और काफी शरारत करता था, तो मैं खुद से तो ये कहना चाहूंगा कि मैं अगर थोड़ा कम शरारत करता और खेलने पे ध्यान देता तो ज्यादा अच्छा था। बट बाकी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी काम करे दिल से करें और अपना पूरा ध्यान लगा के काम करें। जो तुम्हारा जो नटखट है ना, छोड़ो मत इसको, वो तुम्हारी जिंदगी की ताकत भी है, उसे जियो, मत से जियो। खेलने वाला, खेलने वाला है शॉर्ट्स वाला। Thank you.
तो कार्यक्रम को हम अब आगे बढ़ा, अच्छा हाँ ये देख लेते हैं, इसको प्ले कर दीजिए सर, ये जीतने की खुशी मनाते हुए। इस कार्यक्रम को हम अब आगे बढ़ाते हैं। मैं डीजीपी महोदय से आग्रह करूंगी कि लक्ष्य की अभी पिछले दिनों की जितनी भी अचीवमेंट्स थे उसके बारे में वो आपको अवगत कराएं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय गणेश जोशी जी, हमारे प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि लक्ष्य सेन जी, हमारे बैडमिंटन उत्तराखंड बैडमिंटन के सचिव मनकोटी जी, लक्ष्य सेन के पेरेंट्स और कोच डीके सेन जी, उनकी माता जी, यहाँ पर आए हुए समस्त खेल प्रेमी और मीडिया के बंधु, मैं लक्ष्य की उपलब्धियों के साथ कुछ ओवरऑल बैडमिंटन पे भी हल्की सी नजर डालना चाहूंगा। डीके सेन साहब को मैं 1993 से जानता हूँ, जब मैं एसपी रुद्रपुर हो गया था, उन दिनों आतंकवाद का दौर था तराई में, और उस दौर में भी हमने कहा एक बैडमिंटन चैंपियनशिप हो जाए, तो उसमें हमने पंतनगर में एक बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित कराई और उसमें डीके सेन साहब के ही सारे खिलाड़ी जो है जीते, सभी ने मेडल इनके ही कोच के बच्चों ने जीते। तब मैं जानने लगा कि डीके सेन कोई एक्सीलेंट लेवल के कोच हैं और इतनी हाई क्वालिटी के खिलाड़ी पैदा करते हैं। तो वो 93 वाली पहचान, बीच में एक दो बार और हम लोग मिलते रहे कहीं, जब मैं हरिद्वार था 95 में, फिर आगे, पर वो बड़ी पहचान के रूप में 2003 में सामने आई। 2003 में स्टेट बैडमिंटन की हालत ये थी कि हमारे पास स्टेट चैंपियनशिप कराने के लिए न जगह थी, न फंड्स थे और न एनर्जी थी। तो इनका मुझे फोन आया, मैं SSP हरिद्वार था, कि सर स्टेट चैंपियनशिप होनी है, क्या करें। मैंने कहा अरे हम करवाते हैं। हरिद्वार में कोर्ट भी सीमेंटेड था, BHEL में सिंगल कोर्ट, तो उसमें अब तो 8-8, 10-10 वाले कोर्ट बन गए हैं, तो उसमें स्टेट चैंपियनशिप कराई गई 2003 की, और 2003 से मुझे आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट होने का अवसर मिला। 2005 से सर मैं रेगुलर हुआ और 12 साल प्रेसिडेंट रहा बैडमिंटन का। अब मैं इनका संरक्षक कह लें, जो कह लें, उस रूप में बैडमिंटन से जुड़ा हूं, तो बचपन से बैडमिंटन खेलता रहा हूं। तो हमने एक सपना देखा था कि अगर हम सब कुछ आउटस्टैंडिंग करें तो क्यों नहीं रिजल्ट्स आएंगे। किसी भी अच्छे रिजल्ट के लिए सर हमें 3 चीजें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ी और कोच। तो एक टाइम ऐसा आया, अभी हमारे सभी बैडमिंटन से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि अगर नेशनल चैंपियनशिप हो रही होती थी तो उसके चारों क्वार्टर फाइनल में एक खिलाड़ी उत्तराखंड का जरूर होता था। इतना हमारा सर उसमें रहा, हमने सपना देखा था कि हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेंगे, एशियन चैंपियनशिप खेलेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। तो कई बच्चे कुगर्ग से लेकर के, चिराग से लेकर के, कई बच्चे हमारे जो है एशियन चैंपियनशिप में गए, और जो लक्ष्य थी बाकी उपलब्धियां तो ढेर सारी रही रही। जो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, 2018 में एक साथ इसने 2-3 माइलस्टोन पार किए, जूनियर एशियन चैंपियनशिप जीती, फिर इसने यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता यूथ ओलंपिक, जिसने प्रधानमंत्री जी ने इसको किया, और उसी साल ये वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 हुआ। देखिए वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 छोटी बात नहीं, दुनिया के सिरमौर पे आना, तो ये इसकी बड़ी उपलब्धियां रही। बाकी इस साल यद्यपि देश के लिए बड़ी उपलब्धि थॉमस कप है, सबको दिख रही है, क्योंकि 73 साल की हिस्ट्री है थॉमस कप। थॉमस कप जैसे टेनिस का डेविस कप, ऐसे बैडमिंटन का थॉमस कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, टीम इवेंट है। बाकी आप जानते हैं बैडमिंटन नॉर्मली इंडिविजुअल इवेंट है, सिंगल्स या डबल्स, पर इसमें पूरी टीम का जोर लगता है। तो थॉमस कप 73 साल बाद जो है, 73 साल से चला रहा था, हम लोग कभी सेमीफाइनल भी नहीं आए थे, तो सेमीफाइनल पहुंचे, फिर फाइनल पहुंचे और अंततः फाइनल भी जीते। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप है टीम की, उसको जीतना। और
शुरुआती दौर में लक्ष्य क्वार्टर या सेमीज में नहीं जीत पाए तो थोड़ा मन को खराब लग रहा था, परंतु एक बात लोग मिस कर रहे थे, ये हमारा टॉप सीड खिलाड़ी है, इंडिया नंबर 9 है इस टाइम, तो टॉप सीड वाले को सामने वाली टीम के टॉप सीड से भिड़ना होता है, यानी इसको वहां के बेस्ट प्लेयर से भिड़ना है। हमारे श्रीकांत को नंबर 2 बेस्ट से भिड़ना था, तो इसने हर बार नंबर 1 को वहां के झेला, जिससे आराम से श्रीकांत और प्रणय अगला मैच जीत गए। वर्ल्ड रैंक 9 था, सॉरी इंडिया रैंक में वर्ल्ड रैंक 9 है अभी, तो मतलब मैं ये कह रहा ना, इंडिया का हाईएस्ट रैंक है वर्ल्ड में, कोई भी इंडियन प्लेयर जो है ना रैंकिंग 9 के नीचे है, तो इसकी हाईएस्ट है वर्ल्ड रैंकिंग, तो इसलिए इसको दूसरे देश के टॉप खिलाड़ी से खेलना था, तो वो इसको क्रेडिट है, क्योंकि इसके बाद वाले जो हमारे दोनों खिलाड़ी थे श्रीकांत और प्रणय, उनको इनसे नीचे वाले खिलाड़ी खेलने को मिले, इसलिए वो आराम से जीत भी गए। तो अभी जो इन्होंने जीता, आप देखें ओलंपिक के ब्रोंज मेडलिस्ट को हराया फाइनल में, है ना, ब्रोंज मेडलिस्ट था ना इसी ओलंपिक, और वर्ल्ड नंबर 5 था, ओलंपिक का ब्रोंज मेडलिस्ट, और वो भी मैं ये देख रहा था पहला गेम 8 में लूज करने के बाद, मतलब मोस्टली लोग तो हौसले पसते रहेंगे, तो इतने में इसका मतलब आपको साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग होना होता है, फिजिकली मेंटली टेक्निकली, तभी जाके आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हो, ऐसे नहीं बन पाते। तो लक्ष्य की जो ये उपलब्धियां हैं, ये एज ए टीम ये बड़ी उपलब्धि, मैं इससे भी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ ऑल इंग्लैंड का सिल्वर मेडल, ऑल इंग्लैंड के सिल्वर मेडल तक पहुंचने के लिए आपको 6 मैच लगातार जीतने हैं, तब जाकर के आप फाइनल में पहुंचोगे, और वो वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी वहां जाता है, पूरे देश पूरी दुनिया का। तो इसने इंडिया ओपन जीती, वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज जीता 21 में, 22 में इंडिया ओपन जीती, और फिर ऑल इंग्लैंड का सिल्वर जीता, और फाइनली हमारे बीच अभी है, आप देख ही रहे हैं। मैं लक्ष्य से एक और बात कहूंगा, तुम्हारा नाम लक्ष्य है, यहां मत रुको, अपना लक्ष्य और ऊपर करो, हमें ओलंपिक का मेडल चाहिए, हमें सीनियर में वर्ल्ड नंबर 1 चाहिए, वर्ल्ड नंबर 9 और वर्ल्ड नंबर 1 पहुंचना है, इतना हम सपने देखेंगे तो सर्टेनली मिलेगा हमको। आपके कोच जीके सेन साहब की मैं बता ही चुका हूं सर, इतने टैलेंटेड कोच हैं, मतलब वो कोर्ट में 10-12 घंटे तो कोर्ट में रहते हैं, और बाकी भी 10-12 घंटे बैडमिंटन ही सोचते हैं। मैं लास्ट में 2 बातें बैडमिंटन से रिलेटेड प्रमुख सचिव साहब का भी वो चाहूंगा मैं इसमें अटेंशन, एक तो ये सर कि जो हमारे सेन साहब हैं, इतने बड़े कोच हैं जो नेशनल टीम को कोचिंग करा रहे हैं, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड अभी तक नहीं मिला स्टेट का, तो वो जो है जरूर दिया जाना चाहिए आने वाला जब भी उसका नंबर हो। और दूसरा सर मेरा एक अनुरोध और है, हमने परेड ग्राउंड में मल्टीपर्पज हॉल बनाया, उसमें बैडमिंटन के लिए 12 कोर्ट की जगह बनाई, वो सर अभी फैसिलिटी इतनी बड़ी फैसिलिटी बन गई हमारे रिक्वेस्ट पे बना, परंतु अभी तक वो यूज नहीं हो पा रहा जिस रूप में यूज होना चाहिए। हमें सर हमारे प्रदेश के कम से कम 20 खिलाड़ी जो वर्ल्ड में खेल रहे हैं, जूनियर में सीनियर में सब जूनियर में, वो बेचारे बाहर एकेडमी में जाते हैं, वहां पैसा देते हैं, वहां रहते हैं घर से दूर, तो उनकी फिजिकल वो सब नहीं बन पाती, वहां उनको जाना पड़ रहा है। अगर ये कोर्ट हमें अलॉट हो जाएगा एसोसिएशन को, वो अपने स्पॉन्सरशिप के खर्चे से सर उसको मैनेज कर सकती है इसको करिए, हेलो इसको स्पोर्ट्स को सर ढंग से मैनेज कर पाएंगे, मेंटेन हो जाएगा, उसमें प्रदेश के खिलाड़ियों को फ्री कोचिंग दे सकेंगे हम, तो वो वहां हम इस पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी चला सकते हैं, ये मेरा अनुरोध है सर। नहीं तो पता चला उसका भी हाल हमारे क्रिकेट स्टेडियम जैसा हो गया, जहां स्टेट की टीम भी नहीं खेल पाती, उसको भी डेली पे करने के लिए डेली खेलने के लिए 50,000 या कितना देना पड़ता है। ये मेरे 2 अनुरोध हैं सर लास्ट में, और आपने इतना बड़ा सम्मान सर, इतना प्राइज मनी इनको दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वो लक्ष्य सेन को शॉल पहना के और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें।
साथ में इसके बाद चेक दे दीजिएगा, पहले स्मृति चिन्ह शॉल पहनवा दीजिए। सेंसर ऊपर आ गए। ये 15 लाख का चेक लक्ष्य टीम को प्रोत्साहन राशि सम्मान राशि के रूप में दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हम लोगों के खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। और 10 लाख में आज कर दिया है ऑल इंग्लैंड के लिए, तो टोटल 25 लाख। अच्छा, 10 लाख रुपए ऑल इंग्लैंड का जो इन्होंने ब्रॉन्ज वो सिल्वर मेडल जीता है उसके लिए भी दिया जा रहा है। तो टोटल 25 लाख की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी लक्ष्य का सम्मान करते हुए बहुत जोरदार तालियों के साथ डीके सेन साहब को भी शॉल पहनाकर इनके कोच, इनके पिता, इनके आइडल का सम्मान करते हुए सीएम साहब जोरदार तालियों से स्वागत करें। लक्ष्य मैं चाहूंगी कि आप भी दो शब्द अपने जो सीएम सर कोच साहब डीके सेन साहब को सम्मानित करते हुए अब इसी कड़ी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हुए सीएम सर को अगली मीटिंग के लिए भी जाना है। तो लक्ष्य हम चाहते हैं कि आप अगर अपने इन खेल प्रेमियों के लिए कुछ कहना चाहें तो। जी, मैं सबको पहले नमस्कार बोलना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ सीएम सर को और उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन को, जिसने मुझे आज यहाँ पे सम्मानित किया और हमेशा से वो मुझे ऐसे ही बड़े टूर्नामेंट खेल विभाग में और सीएम सर ने जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं ऐसे ही मेरे टूर्नामेंट्स टूर्नामेंट्स के बाद हेलो वो ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और जो भी मैं पिछले टूर्नामेंट जीता था उसमें भी उनने ऐसे मुझे फेलिसिटेट किया था और अभी भी किया है, तो मैं फिर से उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा और मैं अपने जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको बोलना चाहूंगा कि जो थॉमस कप में हमारा विक्ट्री था वो एक बहुत स्पेशल चीज है हम लोगों के लिए, क्योंकि एज अ टीम हम लोग पहली बार थॉमस कप जीता है, तो ये सब पूरे देश के लिए एक ब्लेसिंग है कि हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे और एज अ टीम हम लोग वहाँ पे काफी अच्छे से खेले और हमारा टीम एफर्ट काफी अच्छा था, तो और ये एक इंडिया के लिए ब्लेसिंग है जो हम लोग थॉमस कप जीते और मैं ऐसे ही चाहूंगा कि आगे भी ऐसे परफॉर्मेंस करता रहूं और देश का नाम रोशन करता रहूं और उत्तराखंड का। थैंक यू लक्ष्य, सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर है, तो सारे हमारे उभरते खिलाड़ी इनसे प्रेरणा लें और जैसा लक्ष्य ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हमको एकाग्र होकर अपने खेल पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए तभी हम लोग अब किसी इनकी तरह ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इसी क्रम में बैडमिंटन एसोसिएशन, स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से लक्ष्य के लिए एक छोटा सा उपहार है। सर, बैडमिंटन एसोसिएशन इनको एक टैब देना चाहती है ताकि ये अपडेट जल्दी से जल्दी हम लोगों को तुरंत अपडेट कर सके। तो मनकोटी जी जो हमारे सचिव हैं उत्तरांचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के, वो आपको और इसी क्रम में सीएम सर के लिए भी एक छोटा सा मोमेंटो उत्तरांचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से उनका आभार प्रकट करने के लिए। हमारी खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी
यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, वो चंपावत विधानसभा क्षेत्र में हैं, उनकी तरफ से लक्ष्य के लिए एक मैसेज आया है, मैं उसको बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में आपके सामने पढ़ देती हूँ। मैं रेखा आर्य, खेल मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के चंपावत विधानसभा उपचुनाव में निमित्त पार्टी की ओर से मिली चुनावी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु चंपावत उपचुनाव में ड्यूटी पर हूं। फलस्वरूप अत्यधिक व्यवस्था के कारण देश व प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले उदयमान खिलाड़ी श्री लक्ष्य सेन के सम्मान समारोह में सम्मिलित नहीं हो पा रही हूं। मैं अंतर मन से अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी श्री लक्ष्य सेन को बहुत बहुत बधाई देती हूं और उनके उत्तरोत्तर सफलता की कामना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। तो रेखा आर्य जी की तरफ से लक्ष्य सेन आपके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं मैडम का भी विशेष धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि वो खेल मंत्री हैं और उन्होंने इस तरह का उत्साहवर्धन प्रोत्साहन करने के लिए बड़े आयोजन को आयोजित करने के लिए हमें प्रेरित किया, और इसी उसको अगले क्रम में बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वो अपने आशीष वचन कहें। सर भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत की ऐतिहासिक जीत के कर्ता धर्ता और मुख्य केंद्र बिंदु लक्ष्य सेन के आज इस मैं कहूं कि सम्मान समारोह, प्रोत्साहन समारोह और उत्साहवर्धन समारोह, मैं उत्साहवर्धन समारोह इसलिए कह रहा हूं कि अभी थॉमस कप जीता है, अभी इनको ओलंपिक में और जीतना है, और जो हम लोगों ने ये उत्साहवर्धन का यहां पर ये कार्यक्रम किया है ये निश्चित रूप से लक्ष्य को बहुत ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं लक्ष्य को और इनके पिताजी जिनके बारे में अशोक जी ने और अलकनंदा जी ने बहुत विस्तार से और थोड़ी देर पहले हमारे ये बलजी सोनी भी मुझे जो है रास्ते भर ही बताते आ रहे थे कि वो कितने घंटे तक जो है लगातार खेलते हैं, कितने घंटे तक प्रशिक्षण करवाते हैं और उनकी तपस्या के कारण से उनका ऐसा योगदान है, इनको गुरु द्रोणाचार्य भी कह सकते हैं। एक तरफ जहां ये पिता है, एक तरफ जहां गुरु है, द्रोणाचार्य की भूमिका में भी और परशुराम की भूमिका में भी सारी भूमिका इन पर फिट बैठती है, और इनकी माताजी निर्मला जी का उन्होंने तो अपना तिल तिल अपने को लगाकर लक्ष्य को लक्ष्य भेजने के लिए जो है उन्होंने बिल्कुल तैयार कर दिया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, डीजीपी साहब हमारे अशोक जी और बैडमिंटन की हमारी इसकी अध्यक्ष अलकनंदा जी, उत्तरांचल बैडमिंटन संघ हमारे प्रमुख सचिव खेल श्री अभिनव कुमार जी और यहां पर उपस्थित हमारे मनकोटी जी समेत सभी, अब मैं नाम लूंगा तो बहुत हो जाएगा, क्यों मनकोटी जी, भट्ट जी, देवू, तो काव्य और सब जितने भी हमारे यहां पर उपस्थित हैं सभी का, डोभाल जी समेत हमारे दाई वहां, क्या आप भी तो हो इसके कुछ, आप क्या हो इसमें, सर वो टेबल टेनिस, अच्छा आपका टेबल टेनिस वाला है, तो सभी उपस्थित हमारे
मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। मेषादि मीन पर्यंत सभी आए हुए हमारे सभी गणमान्य, सभी हमारे खेल संघों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी जो उत्साहवर्धन करने के लिए लक्ष्य का यहाँ पर आए हैं, और हमारे नए और उदयमान खिलाड़ी, चिराग सोच रहा होगा मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, हमारे जो है सभी नवोदित और उदयमान खिलाड़ी जिन्होंने कल जैसे लक्ष्य आज जो है हमारे लिए पदक जीत रहा है, और लगातार हम लोगों को ये अवसर प्रदान कर रहा है कि इतने सारे लोग हम लोग इकट्ठे हों। आप लोग भी कल को जो है किसी प्रकार से इनसे प्रेरणा लेकर सभी आगे बढ़ेंगे, और अपने आप को और हम सबको भी, जैसे आज हम लोग लक्ष्य को सम्मानित कर रहे हैं, तो लक्ष्य को सम्मानित नहीं कर रहे हैं हम लोग स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का और देश का नाम बढ़ रहा है। और बड़ा सुखद क्षण था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य से पिछली बार कहा था कि मेरे लिए जो है वो लेके आना बाल मिठाई लाए थे कि सिंगोड़ी भी लेके आए थे, हम लोगों के लिए भी लाए कुछ है, हमारे लिए मेडल लेके आया। तो अगली बार मेरे लिए जो है जब तुम ओलंपिक जीत के आओगे तो मेरे लिए तुम सिंगोड़ी लेके आना, ठीक है। मैं बचपन से जो है मुझे बचपन से वो अल्मोड़ा की जो सिंगोड़ी मिठाई होती है अंदर वाली पत्तों में जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी शुरू से। तो मैं जब भी अल्मोड़ा जाता हूँ या कोई आता है वहां से तो मैं कहता हूँ कि उनसे जो है वो कहते हैं क्या लेके आना है, मन को क्योंकि तो मैं कहता हूँ सिंगोड़ी लाना है। तो हमारे लिए बहुत ही एक गौरव का क्षण है कि आज हमें इनको दोबारा सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है, और मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लक्ष्य के साथ साथ बाल मिठाई को भी ब्रांड बना दिया है। आज पूरे देश में लोग जो है बाल मिठाई की चर्चा कर रहे हैं। ये एक बात है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से कितना विशेष लगाव है, इतनी छोटी छोटी चीजें, इतनी छोटी छोटी बातों को याद करना, छोटे छोटे पहलुओं को छूना, हर किसी की चिंता करना। अगर किसी से सीखना हो या कार्य व्यवहार में लाना हो, कार्य संस्कृति में लाना हो, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से लाने की जरूरत है। क्यों, हर बार फोन आता है कोई भी ऐसा अवसर होता है तो फोन करते हैं, सबका उत्साह वर्धन करते हैं। वैसे कोई ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन देश के अंदर हमारी खेल प्रतिभाएं हमेशा से रही हैं, खेल प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही, लेकिन जितना प्रोत्साहन आज मोदी जी के समय में मिल रहा है उतना शायद ही कभी मिलता होगा। और ये खेल के क्षेत्र में भी है, खेल के क्षेत्र में और कार्य के क्षेत्र में भी है, हर क्षेत्र में, यानी कि उनका लगातार एक हम लोगों को भी जो जहां लोग प्रदेशों के अंदर सरकार चलाते हैं, देश के अंदर सरकार चलाते हैं, उन सभी को एक नई कार्य व्यवहार और नई कार्य संस्कृति उनको देने का काम, उनके अंदर भरने का काम उनके माध्यम से लगातार हो रहा है। और ये सच है कि खेल के क्षेत्र में तो कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, तो कठिन अभ्यास है, प्रशिक्षण है, कठिन परिश्रम है, और जो पसीना निकलता है उसी से हमको ये पदक मिलते हैं, उसी से हम सबको ये सम्मान इनको देने का अवसर मिलता है। लक्ष्य का जैसा नाम है लक्ष्य, वो ठीक उसी प्रकार से है जैसे महाभारत काल में अर्जुन ने जो है मछली की आंख को भेदने का काम किया था,
और अपना निशाना साधा था। आज लक्ष्य ने भी जो है बैंकॉक में जो थॉमस कप फाइनल 14 बार की चैंपियन टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पटकनी देते हुए 73 वर्षों बाद हम लोगों को ये अवसर दिया। इससे पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है और हम लोगों को विशेष रूप से थॉमस कप का क्या करना अच्छा देख लो ठीक है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए और आप सब लोगों की तालियां, मैं ये समझता हूं कि लक्ष्य को खुशी तो दे रही है लेकिन इनको जो है एक जिम्मेदारी का और एहसास करा रही है। अब ये जो है अगली बार हमारे लिए पक्का ओलंपिक जीत के लाएंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं और हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि लक्ष्य जिस प्रकार से आगे बढ़ा है उसने कठिन साधना की है। परिवार के लोगों ने, माता पिता ने, चाहने वालों ने, सब जितने भी शुभचिंतक हैं उन्होंने सबके साथ उसकी भावनाएं जुड़ी है। अब लक्ष्य एक माता पिता का बेटा जरूर है लेकिन अब लक्ष्य के साथ पूरा देश पीछे से है और कोई भी बेटा बेटी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कहीं भी उनका नाम रोशन होता है, कहीं पर भी वो किसी क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल करते हैं तो उस समय केवल वो एक परिवार का बेटा नहीं रह जाता है, उस समय पूरे देश की भावनाएं, पूरे आसपास की भावनाएं। जैसे अगर हम छोटे स्तर पर देखें तो मैंने स्वयं ये अनुभव किया है नजदीक से, छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में कोई अच्छा पढ़ने वाला बेटा, अच्छा खेलने वाला बेटा, अच्छा काम करने वाला बेटा बेटी जब भी आगे जाते हैं तो जब छोटे स्थानों पर होते हैं तो उनके साथ उनके माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा ही होता है, उनका त्याग तो हमेशा ही होता है लेकिन फिर उस पूरे क्षेत्र के आसपास के लोगों की भी जो है उनकी भावनाएं, उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद उनके साथ जुड़ जाता है और वो सारे के सारे प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे मोहल्ले का रहने वाला, फिर कहते हैं हमारे शहर का रहने वाला, हमारे जिले का रहने वाला, प्रदेश का रहने वाला, फिर वो कहते हैं देश का रहने वाला, सब दुआएं करते हैं। तो हम लोग हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्य जो है दिनों दिन प्रगति करते जाए और एक एक करके जितने लक्ष्य हैं सारे लक्ष्यों को भेदता जाए। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बधाई है। पिछली बार भी हम लोगों ने जो है यहां पर सम्मान किया तो आज थॉमस कप जीत के आया है, अगली बार हमारे लिए ओलंपिक जीत के आएगा, फिर बार बार जीतेगा और हमेशा हमारे देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। और खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने नई खेल नीति हम 2021 में ही ले आए हैं, उसके पीछे भी हमारा हेतु ये है कि ऐसे बच्चे अब जैसे लक्ष्य है आज, अब लक्ष्य का सम्मान हम लोग करें या न करें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं सच बता रहा हूं। प्रमुख सचिव साहब आप सम्मान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सरकार सम्मान कर रही है, मैं सम्मान कर रहा हूं लेकिन अब लक्ष्य उससे आगे निकल गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, योग्यता है, क्षमता है, अब वो जब खेलने जाते हैं तो ये लक्ष्य के माता पिता से कोई अलग से पूछे कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो किन किन परिस्थितियों का इनको सामना करना पड़ा होगा। जब पुरस्कार जीत जाते हैं, पदक मिल जाते हैं, नाम हो जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सभी लोग आगे आ जाते हैं। तो पिछले साल जब मैंने 4 जुलाई 2021 को ये मुझे दायित्व मिला मुख्य सेवक का, तो जब खेल के बारे में बात हुई
तो हमने सबसे पहले यही बात करी कि जो बेटा जो बेटी जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वो अगर खेलने जाना चाहते हैं तो बहुत लोगों के पास तो किराया भी नहीं होता है। और मैंने पावर लिफ्टिंग में एक सामान्य परिवार का लड़का था श्याम सिंह राणा, उसको एक बार साउथ कोरिया जाना था, 2010 की बात बता रहा हूं। तो वहां जाने के लिए उसके पास किराया नहीं था और हम लोगों ने उसको सब लोगों का थोड़ा थोड़ा उसका वो करके कंट्रीब्यूट किया और उसका टिकट करवाया। उसने जाकर वहां पावर लिफ्टिंग में एक नहीं चार चार जो है गोल्ड मेडल जीते जाकर। तो मैं नजदीक से देखा है। फिर जाते हैं खिलाड़ियों को तमाम प्रकार का जो पौष्टिक भोजन चाहिए होता है, पौष्टिक भोजन है, वहां रहने की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाओं के लिए। अब जो हम नई खेल नीति लेकर आए, उस नई खेल नीति में हमने प्रावधान किया है कि कोई भी बेटा बेटी अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो अब उनको किसी को देखना नहीं पड़ेगा कि कौन हमारी व्यवस्था करेगा। ये सारी व्यवस्था नई खेल नीति में सरकार अपनी तरफ से करेगी। इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े और इसके पीछे हमारा हेतु है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो हमारे लिए एक देश के लिए संदेश है, दुनिया को जिस प्रकार का उस संदेश हमारे खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से देते हैं कि सभी को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए और जो सामान्य स्थितियों में सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले हैं उनको भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए। इसको लेकर हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे से अच्छा बनाएं और अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें और अधिक से अधिक प्रोत्साहन करें। इन क्षेत्रों में हम लगातार बढ़ रहे हैं और इसी हॉल के अंदर बैठकर हमने अभी तक उत्तराखंड राज्य हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में से कैसे आए, हर क्षेत्र में। आज हम खेल की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात करेंगे, पर्यटन की बात करेंगे, उद्यान की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा की बात करेंगे, हर क्षेत्र में हमारा राज्य कैसे आ गया है उसके लिए भी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और लगातार मंथन हम करते रहते हैं। अभी हमारा इस साल का नया आम बजट आने वाला है और आम बजट से पहले इस बार हमने एक नया प्रयोग किया है कि बजट से पहले जितने भी हमारे इस प्रकार के समूह हैं, जो हमारी समाज की क्रीम है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उन सभी से हमने संवाद किया है। दो प्रकार के संवाद किए हैं, एक हमने नैनीताल में संवाद किया है, एक संवाद हमने यहां देहरादून में किया है, जिससे कि सरकार जो भी काम करे उसमें सबकी सहभागिता हो, सबके विचार आए, उन सबके विचार लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इनको शुभकामनाएं देते हुए और अंत में जितने भी महानुभाव हैं, खिलाड़ी हैं, उनके माता पिता, उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने हर सपनों को सांस में रखो, अपने हर सपनों को सांस में रखो, अपनी हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। मेरी तरफ से पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत आभार। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो किसी भी क्षेत्र में जो उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात बोली कि हमारे रिसोर्सेज के अभाव में, सर ये बिल्कुल सत्य है, रिसोर्सेज के अभाव में हमारे कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो आप ये बिल्कुल बेसिक चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई और सारे खिलाड़ी सीएम सर के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए 3 चीयर्स करेंगे। हिप हिप, जोर से होना चाहिए, पूरे जोश में। हिप हिप, हिप हिप। सर आपका बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गहराई से इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं और इसी क्रम में
सर, बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से हम आज जो हमारे अतिथि कृषि मंत्री महोदय श्री गणेश जोशी जी यहाँ आए हैं, उनको एक मोमेंटो देना चाहते हैं। मनकोटी जी, मोमेंटो। एक मोमेंटो सचिन खेल को भी उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से। मैं विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अभिनव कुमार जी को बुलाना चाहती हूं, जिन्होंने इतने शॉर्ट समय में इतना भव्य आयोजन करने में बैडमिंटन एसोसिएशन को भी अपने साथ जोड़ा और हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने खिलाड़ी का मनोबल बढ़ा सके। मैं उत्तराखंड खेल विभाग का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने अपने इस भव्य समारोह का हमें हिस्सा बनाया। अभिनव, आपका संबोधन हम सब लोग सुनना चाहते। परम शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ मंच पर उपस्थित माननीय कृषि मंत्री जी, यहाँ यद्यपि वो यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन उनका हमें इसमें मार्गदर्शन और समर्थन मिला है, हमारी माननीय खेल मंत्री जी, यहाँ के आज के मुख्य अतिथि और मुख्य आकर्षण श्री लक्ष्य सेन, उनके पिता और उनकी माता जी, बैडमिंटन एसोसिएशन और बैडमिंटन प्रेमी यहाँ जितने हमारे नागरिक उपस्थित हैं, सभी महानुभाव और पत्रकार बंधु, ये हमारे लिए और मेरे लिए विशेष रूप से, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इस विभाग में मैंने अपना योगदान दिया है, बड़े सौभाग्य की और बड़े गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी के प्रोत्साहन से हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लियरेंस मिला और हमने जो जो आग्रह रखा बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से और खेल विभाग की ओर से, माननीय खेल मंत्री जी ने तो दूरभाष पर ही उसकी सहमति दे दी, वो यहाँ आ भी नहीं पाई थी, लेकिन जो भी हमें इस कार्यक्रम से संबंधित विधिवत फॉर्मेलिटीज करनी थी उन्होंने तुरंत उसकी मौखिक सहमति दे दी और मुख्यमंत्री जी ने उस पर तुरंत आदेश कर दिए। ये दर्शाता है कि खेलों के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड की सरकार और हम सभी लोगों का किस प्रकार की हमारी भावना है और हम किस तरह से अपने प्रदेश में खेल की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे उस उम्र के जिन्हें याद हो जब 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन वो जो जीत थी, मैं उस समय मात्र 10 वर्ष का था, उस जीत के समय जो एक उत्साह देश में था, आज लगभग 40 वर्ष बाद लक्ष्य सेन की वजह से फिर वही करंट, वही उत्साह खेल के प्रति पूरे देश में एकदम से उत्साह उमड़ के आया, उसके लिए लक्ष्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि अगर समाज को और पूरे राष्ट्र को का एकीकरण करना है तो खेल से अच्छा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके माध्यम से हम समाज में और राष्ट्र में एकता की भावना पैदा कर सकें, और ये उसका उदाहरण है। आप हमारी बैडमिंटन टीम को ही ले लीजिए, चाहे वो साउथ से गोपीचंद जी हों, लक्ष्य हों, यहाँ से हमारे यहाँ से उत्तराखंड से पीवी सिंधु हैं, साइना नेहवाल हैं, ये सभी लोग मतलब देश के अलग अलग कोने से आए हैं, लेकिन एक साथ जब ये पोडियम पे तिरंगा लहराते हुए दिखते हैं तो मैं समझता हूँ वो जो एक राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में पैदा करते हैं, वो बहुत कम माध्यम ऐसे हैं जिनके माध्यम से ये भाव पैदा किया जा सकता है। मैं पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि न सिर्फ उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति प्रदान की पर हमें ये भव्य हॉल का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी। अपनी व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर, आप जानते हैं कुछ समय बाद उपचुनाव भी है चंपावत में, यह कार्यक्रम मात्र लक्ष्य सेन के प्रोत्साहन के लिए ना होकर समस्त खेल समुदाय एवं उन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करता है जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कुछ उपलब्धि दिखाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं बैडमिंटन एसोसिएशन का, विशेष रूप से उसकी प्रेसिडेंट, उसके पेट्रन, उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ खेल विभाग के अपने सभी साथियों का, निदेशक खेल और उनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
इसकी अंतिम कड़ी खेल विभाग की तरफ से मैं उनके डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले विशेष प्रमुख सचिव साहब को एक मोमेंटो देकर उनका धन्यवाद सीएम सर के लिए डायरेक्टर खेल और हमारे कृषि मंत्री जी उनके लिए एक आभार व्यक्त करने के लिए एक मोमेंटो सर हम सभी आप लोगों के बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से यह समय निकाला और हमारे खिलाड़ी का मनोबल लक्ष्य का